स्टायरोफोम। अब गाइस आप लोग पूछेंगे कि स्टायरोफोम क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने थर्माकोल का नाम तो सुना ही होगा। गाइस वही थर्माकोल जो गाइस गद्दे वाला होता है, इसका यूज ज्यादातर किसी पेंटिंग उंटिंग को बनाने के लिए किया जाता है। मैं उसी थर्माकोल की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बोलेंगे मैंने तो इसे देखा भी है, तो गाइस वही होता है स्टायरोफोम। और गाइस बात आती है कि सल्फ्यूरिक एसिड, गाइस सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। इसके बारे में गाइस आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते नहीं होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कोई भी चीज या वस्तु रही जाती है तो गाइस उसका आकार से लेकर सब कुछ बदल देता है, यानी कि उसका रंग से लेकर आकार तक बदल देता है सल्फ्यूरिक एसिड। इतना खतरनाक होता है, आप लोग गाइस उसको पहचान नहीं पाएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कौन सी चीज थी। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि गाइस हम लोग स्टायरोफोम से बने हुए पुतले, यानी गाइस वही पुतले जो कपड़े की दुकानों पर लगे होते हैं, उसको लगाकर गाइस उसमें अच्छा सा एक कपड़ा पहना दिया जाता है, आप लोग देखे होंगे तो, या फिर मॉल में भी देखे होंगे। तो गाइस हम लोग उसी पुतले को ले लिए हैं और गाइस हम लोग क्या करेंगे कि गाइस हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे उस पुतले को और देखते हैं गाइस कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या पुतले के साथ खतरनाक वाला रिएक्शन करता है। गाइस मैं आपको बता दूं वो तो रिएक्शन ऐसा किया कि मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसा रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस स्टायरोफोम के साथ। तो गाइस जानने के लिए बने वीडियो के लास्ट तक और देखिए क्या होता है। और हाँ गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और गाइस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह स्टायरोफोम का ऐसा हाल करता है, जैसा कि मैं आपको क्या बताऊं उसका, यानी कि आप लोग समझ गए उसका, उसने तो अस्तित्व ही मिटा दिया कि ऐसा कोई पुतला था, आप लोग ने खुद ही देखा होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर गाइस आपको आज का वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और गाइस साथ में वीडियो को ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक गाइस जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में और किसी बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के साथ।